नाहन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर में रैली निकाली और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर विधायक अजय सोलंकी ने कहा कि केंद्र की सरकार लगातार तानाशाही रवैया अपनाए हुए और आम आदमी की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। सोलंकी ने कहा कि देश के सबसे बड़े विपक्षी दल कांग्रेस का अकाउंट सीज करना सीधे तौर पर लोकतंत्र की हत्या है। आज केंद्र सरकार के खिलाफ जो है एक रोष प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है और इस तरह से हिंदुस्तान के अंदर संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही है और केंद्र सरकार तानाशाही रवैया अपनाकर जो है विपक्षी दलों के खिलाफ और चुनी हुई सरकारों को अस्थिर करने का प्रयास कर रही है, उसके खिलाफ जो है आज कांग्रेस पार्टी जो है धरना देने जा रही है। आज हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, विपक्ष सबसे बड़ा विपक्षी दल है कांग्रेस पार्टी, उसके अकाउंट्स सीज कर दिए गए हैं, तो ये लोकतंत्र की हत्या है। जबकि भारतीय जनता पार्टी का भी इलेक्ट्रोल बॉन्ड का इशू आपके सामने है, उसमें साफ दर्शा दिया गया है कि जो काला धन था वो सारा का सारा जो है इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को उसका चंदा दिया गया। जिन कंपनीज का टर्नओवर ही 1 करोड़ रुपए था सारा, वो भी 100-100 करोड़ का चंदा जो है भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं, तो ये भ्रष्टाचार नहीं है तो और क्या है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई, कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी दलों के जो है अकाउंट सीज कर दिए गए हैं, इसके विरोध में आज कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है। तो आपके माध्यम से मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, मेरा आपसे भी निवेदन है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए गांव-गांव तक जन-जन तक ये आवाज़ पहुंचे। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर ये प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र की सरकार लगातार तानाशाही रवैया अपनाए हुए और विपक्षी दलों की चुनी हुई सरकारों को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है, जिसके खिलाफ कांग्रेस सड़कों पर है। पंजाब केसरी टीवी के लिए नाहन से विनीता शर्मा की रिपोर्ट।